पिक्चर के, उनको ऑल द बेस्ट बोलता हूँ। एंड डायरेक्टर साहब जो है कीर साहब, उनको भी, जितेंद्र कीर, उनको भी ऑल द बेस्ट बोलता हूँ। फिल्म बड़ी मुश्किल से बनती है और उसको रिलीज़ करना और भी ज़्यादा मुश्किल है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से फिल्म रिलीज़ हो। और यू नो, थोड़ी 8 तारीख को फिल्म रिलीज़ हो रही है, 4 अगस्त को रिलीज़ हो रही है। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और सारे आर्टिस्ट सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। एंड दौर है, नए लड़के लड़कियाँ जो है अच्छा काम कर रहे हैं, साथ में सुदेश देरी जी हैं, हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे आज के जो टैलेंट है, नए लड़के लड़कियाँ जो आ रहे हैं उसके बारे? यार, टैलेंट बहुत है हमारी कंट्री में, और अच्छा है कि नए लड़के लड़कियों को प्लेटफॉर्म मिल रहा है, और बहुत अच्छी बात है कि टैलेंट जो टैलेंटेड लोग हैं, जो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उनको एक क्या बोलते हैं, मौका मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। फिल्म में सुदेश भी हैं, और काफ़ी हमारे पुराने कलाकार हैं, हमारे साथी, और म्यूज़िक भी अच्छा है पिक्चर का। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी फिल्म बनाता है प्रोड्यूसर, मैं उम्मीद करता हूँ कि साहब सबकी फिल्में जो हैं रिलीज़ हो, क्योंकि बड़ी मुश्किल से फिल्म बनती है। और ये गोवा में फिल्म शूट हुई है, इसलिए गोवा इतनी ब्यूटीफुल जगह है, इतना अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है हमारे देश का, और गोवा को बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से आपने, हाँ, ये भी गोवा के हैं, उन्होंने गोवा को और ज़्यादा हाईलाइट किया है पिक्चर में। एंड आई एम श्योर कि जब पिक्चर देखेंगे तो उसमें गोवा की बहुत खूबसूरती दिखाई होगी। और ऑल द बेस्ट टू द एंटायर टीम। मेरे रनिंग प्रोजेक्ट हैं इश्क नीति वेब सीरीज़ है, वो आ रही है अभी। एक फिल्म के लिए मैं यूके जा रहा हूँ शूटिंग के लिए, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, एक के बाद एक आते रहेंगे आपके सामने। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। सो हाई, माई नेम इज़ अपूर्वा आनंद, मैं नासिक से हूँ, और मेरा ये डेब्यू फिल्म है। किस तरह की मूवी है और आपके किरदार की बात करें? ओके, तो मेरा किरदार मेन लीड है इसमें, मेरा नाम रंगीली है, जो पंजाब की लड़की है, पंजाबी कुड़ी है, जिसे सपना है कि वो भी हीरोइन बन जाए, और वो उसी सपना साकार करने के लिए मुंबई आती है। लेकिन मुंबई आने के बाद उसे रियलिटी का पता चलता है, और वो किस दौर से गुजरती है, ये सब ये मूवी में दिखाया गया। आपके साथ में लीड कलाकार में कौन है? जी, मेरे साथ लीड में है सूरज भारद्वाज और सुदेश बेदी जी, और ये दोनों ही लीड में हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की मुझे और बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। सूरज, आपके प्रोफाइल की बात करें, क्या क्या किया आपने? देखिए, इससे पहले मैं काफ़ी सीरियल्स कर चुका हूँ, स्टार प्लस का रज्जो, नहीं नहीं, ये झुकी झुकी से नज़र, रज्जो, और पवित्रा भरोसे का सफर आजा चैनल के लिए। उसके अलावा वेब सीरीज की हैं लवली द ढाबा ईशा कोप्पिकर के साथ, और कौन हू डिड इट सुशांत सिंह के साथ। तो डेब्यू है सिर्फ? या, ये मेरा पहला डेब्यू। क्या कहना चाहिए, इस फिल्म से शुरुआत है, मनी के साथ शुरुआत कर रहे हैं? देखिए, इस मूवी को देखकर, और या जब इस मूवी कहानी मैंने पढ़ी थी, तो ये कहानी मुझे मेरे आसपास के लोगों की लगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो हीरो बनना चाहते हैं, हीरोइन बनना चाहते हैं, लेकिन वो अपना रास्ता भटक जाते हैं और गलत रास्ते पर जाते हैं, और सेम वही चीज़ इस मूवी के अंदर दिखाई गई है। क्या उम्मीदें इस फिल्म से आपको? उम्मीदें काफ़ी हैं, क्योंकि मूवी अच्छी बनी है, सबकी मेहनत है, और इस मूवी के अंदर सर की सबसे ज़्यादा मेहनत है, डायरेक्टर सर की, जीतू जी की। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, वो आपका परिचय? मैं सर, तुम आपका सर, प्रोड्यूसर। ये फिल्म मैंने 5 से 7 साल से, मैं बॉम्बे आता रहता था लोकड़वाला में, तो मैंने यहाँ देखा कलाकार क्या कर रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो, तो मैंने देखा इधर, और मैंने सोचा कि ये फिल्म मैं बनाऊँगा कैसे ही करके। तो मैंने नया कलाकारों को लेके मैंने ये फिल्म बनाया है, तो मुझे सबने अच्छा काम किया, और मेरे डायरेक्टर ने भी बोला, ये भी नया डायरेक्टर है, इसको मैंने चांस दे दिया, बोला तुम आगे बढ़ो, मैं करूँगा खर्चा, कुछ करने का है वो, लिखा है फिल्म मैंने ही लिखा है, और ये कलाकारों ने, अपने अपूर्वाल ने भी बहुत अच्छा काम किया है, और उसने जो उसका हमें चाहिए था वैसा उसने रोल किया है, सुरेश ने भी अच्छा रोल किया है,
अपने इस भाई ने भी अच्छा रोल किया है सब, और हमारे बहुत सभी कलाकारों ने बहुत अच्छा काम किया है, और मैं सबको मैं मानता हूँ। मेरी एक लड़की है संध्या, उसने भी अच्छा काम किया है, राधा ने भी काम किया अच्छा। सर डायरेक्टर से जानना चाहेंगे सर, ये बीच में ही सर आप। हाँ सर, सबसे पहले आपका परिचय। मेरा नाम जितेंद्र सुरेश कीर है, मैंने लास्ट 20 ईयर में इंडस्ट्री में हूँ। मैंने बहुत से रियलिटी शो किए, मैं चैनल में था ETC नेटवर्क्स में, तो चैनल भी मैंने काम किया है, एज अ ग्राफिक डिजाइनर से शुरू किया था, और आज मैं फर्स्ट मेरी फिल्म है ये सिर्फ मनी, जो मैं डायरेक्ट करा, और इसके लिए मुझे जो सत्यवान जी ने मदद की है और जो मुझे चांस दिया उसका मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये फिल्म बहुत अच्छी बनी है, एक जो अपकमिंग लड़की आती है मुंबई में हीरोइन बनने के लिए, उनके साथ क्या क्या होता है, उनकी एक जर्नी क्या होती है, हर एक 99% लड़कियों की ये कहानी है। 1% सक्सेसफुल होती है, बाकी 99% लड़कियाँ फेल होती है, फिर वो अलग मार्ग रास्ते पे जाती है, ये पूरी स्टोरी है फिल्म में, और बहुत अच्छी फिल्म है, अच्छी जर्नी है इसमें। इससे पहले भी इस तरह की फिल्में बन चुकी है काफ़ी सारी। हाँ, इस तरह की फिल्में बन चुकी है, लेकिन ये जो फिल्म है उसमें फैशन भी आई थी। इसमें जरा भी वल्गरिटी नहीं है, ये फिल्म को UVA सर्टिफिकेट मिला है। जो फिल्में आई उसमें एक बॉलीवुड का ये दिखाया कि लड़की आती है ये हो जाती है पूरा निगेटिविटी, इसमें पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है, लेकिन इसमें हर लड़की, मतलब आप देखोगे फिल्म तो दिखेगा कि ये ट्रू स्टोरी है, हर लड़की के ज़िंदगी में ये हुआ है जो बॉलीवुड में आती है। सर क्या नाम आपका? अपूर्व। आपसे जानना चाहेंगे जो फिल्म की इसमें दिखाया है सच्चाई, क्या इसमें कॉम्प्रोमाइज़ को भी दिखाया गया है जो बॉलीवुड में चलता है? कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर बॉलीवुड में चलता ही है, और इसमें भी थोड़ी सी झलक दिखाई गई है जो आपको मूवी देखने पर पता चल जाएगा। कितना कंफर्टेबल थे उस चीज़ के लिए आप? देखिए जितने भी एक्टर्स थे वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थे सबके साथ, और कभी भी ऐसा डर नहीं लगा कि ओके कुछ बैड टच हो रहा है, या कभी भी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। सो आई वॉज रियली कम्फर्टेबल विद दैट। नहीं, सीन एक भी नहीं है जिसमें मैं अनकम्फर्टेबल हूँ, सब सीन बहुत कम्फर्टेबली शूट हुए थे। डायरेक्टर साहब जानना चाहिए, जब इस तरह की फिल्म है तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज की कहानी जो एक बेस है यहाँ पर, लेकिन छुपी हुई है सबको पता है, हाँ क्या आपने दिखाने की कोशिश की इसमें? नहीं, हम लोगों ने जो दिखाया ना वो निगेटिविटी बहुत कम दिखाई है, यहाँ पे जो होता है कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोलते हैं, लेकिन बहुत अच्छे प्रोड्यूसर भी है जो ये सब चीज़ों से ये चीज़ें नहीं करते। हम लोगों ने ये भी दिखाया कि बहुत अच्छे भी है जो काम करना चाहते हैं, लेकिन जैसे आप बोलते हो ना कि निगेटिव मतलब कॉम्प्रोमाइज़ तो है, बहुत लोग 90% लोग करते हैं, 10% लोग जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, अच्छे काम देते हैं, ये भी है इसमें। देखिए ये सच्चाई है, लड़कों के लिए बहुत टफ है यहाँ पर काम करना, क्योंकि हम लोग ऑडिशंस देते हैं, कभी कभी हमारे ऑडिशंस चैनल तक जाते ही नहीं है जिस मेन लोगों तक पहुँचना चाहिए। अब इस बीच में हम लोबी कह सकते हैं कि कास्टिंग वालों की लोबी बनी है, दोस्त आपस में वो लोग अपने दोस्तों को काम देते हैं, ये सब चीज़ें। क्या है कि मेरे कैरेक्टर का नाम सपना है, और सपना वो लड़की है जो ऑलरेडी गांव से है लेकिन मुंबई में काम करती है, और वो आती है वो रंगीली को लेकर मुंबई लेकर जाती है, लेकिन वहाँ की जो नेगेटिव चीज़ें रहती हैं, जो सब फेस करना रहता है लड़कियों को, वो रंगीली को उससे दूर रखती है, लेकिन फिर रंगीली कैसे उन चीज़ों को डिस्कवर करती है वो उस बारे में फिल्म। सर आपका भी इसमें हिस्सा है कई फिल्मों का? मेरा इसमें जो करैक्टर है, किरदार है, वो असलम भाई का है, और वो किरदार बेसिकली नुआंस किरदार है। उसमें ये होता है कि मेरी एक पार्टनर इन क्राइम है इस फिल्म में, जो आप देखेंगे जब आप फिल्म देखेंगे, जिसके साथ मिलके हम ल्योर करते हैं लोगों को जो एक्टर बनने आते हैं, आर्टिस्ट बनने आते हैं, कि उनसे हम पैसा लेते हैं। सो जो मुझे लगता है कि है एक ज़माने में, आजकल मेरे ख्याल में उतना ज़्यादा नहीं होता, बिकॉज सोशल मीडिया का एडवेंट इतना है कि आपको थोड़ा डर भी लगा रहता है कि अगर आपने किसी से पैसे की बात की तो आप पकड़े जाओगे, खासकर वीडियोस एंड जो भी चीज़ें होती रहती है, स्ट्रिंग जर्नलिज्म, आपको ज़्यादा उसकी समझ है।
तो उसमें ये है कि हम दो मिलके, जो उसमें मेरी गर्लफ्रेंड है जो आज मौजूद नहीं है यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द वेदर ऑल्सो, तो उसमें हम लोगों को ल्योर करते हैं, मैं तुमको काम दिलवा दूंगा तो मुझे इतना पैसा दो, तो मैं पैसे बेसिकली लोगों से फ्रॉडलेंट तरीके से बटोरता हूँ। वो मेरा किरदार है असलम भाई का इस फिल्म में। डायरेक्टर साहब, जैसे कि बॉलीवुड की आपने बात की, वर्सोवा जो है एक गढ़ कहा जाता है फिल्म इंडस्ट्री का, शुरुआत वहीं से होती है। हाँ, तो वो भी आपने क्या दिखा है इसमें? हाँ, इसमें हम लोगों ने यहाँ का आदर्श नगर दिखाया है, नागौरी दिखाया है, माढ़ा दिखाया है, फिर हम लोगों ने यहाँ पे लवलाखी दिखाया है। क्योंकि देखो ये जो एरिया है ना, ये बॉलीवुड का गढ़ मतलब ये है, हार्ट है। हाँ, ये है, यहाँ पे हम लोगों ने चाय के कब से शुरुआत होती है? चाय कब से शुरुआत होती है? आप इन्फिनिटी में गए होंगे तो देखा रहेगा कि टेबल पे फिल्म 100 करोड़ की 200 करोड़ की सुबह बंद शुरू होती है, शाम तक बन जाती है और रात में वो बेची भी जाती है मार्केट में। ये सब है ना, ये फिल्म इंडस्ट्री का एक गढ़ है। शिमला रेस्टोरेंट में आप जाओगे, हम लोगों ने शिमला भी दिखाया, शिमला रेस्टोरेंट में जाओगे तो देखोगे कि बहुत ऐसे बैठे रहते हैं स्ट्रगलर, बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है, ये सब हम लोगों ने दिखाया है इस फिल्म में। तो क्यों? क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि ये इंडस्ट्री कैसे चलती है, क्या चलता है, ये सब दिखे, और फिर जो गांव की लड़कियां आती है उनमें एक अवेयरनेस क्रिएट हो जाए कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है, तो हमको ये अवेयरनेस क्रिएट किया है इसमें फिल्म में, वो हम लोगों ने पूरा। आखिरी सवाल, सुदेश बेदी जी बहुत ही दिलचस्प इंसान हैं और उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि बेशक उन्होंने बहुत साल इंडस्ट्री में काम किया है और सच में बहुत बहुत अच्छे इंसान हैं वो। एक्चुअली मैं मूवी में उनके साथ काम नहीं कर पाया क्योंकि मेरा कोई सीन नहीं था उनके साथ, लेकिन बतौर एक्टर वो बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। एक ऐसी फेलियर का है जो किसी ज़माने में इंडस्ट्री में आई थी और वो फेलियर हो गई, और उसके बाद उसने एक हॉस्टल खोला है जहाँ पर न्यू कमर्स लड़कियाँ आती हैं, उनको सपोर्ट करती है, उनको प्यार और दुलार देती है, मोटिवेट करती है, हंसाती रहती है, और वो उसी फील एक जोन में रहती है, मीना कुमारी के जोन में। तो बस वही जोन दिखाया गया मीना कुमारी का। थैंक यू। डायरेक्टर है वो बहुत ही फैंटास्टिक है। मैंने एक छोटा सा कैरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर का किया है। आपको तो पता है इंडस्ट्री में असिस्टेंट डायरेक्टर कितनी भाग दौड़ करते हैं, कैसी उनकी लाइफ होती है। तो मैंने, मेरा एक सीन है वो अपूर्वा के साथ है। सो आप फिल्म देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा और मुझे बहुत अच्छा लगा काम करते हुए। एंड आई एम थैंक्स टू माई डायरेक्टर एंड माई प्रोड्यूसर एंड माई होल टीम फॉर सपोर्टिंग मी। थैंक यू।